दोस्तों आज तारीख है 20 जून 2021 और डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट वन वीक में जो भी इंपॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशंस जारी की गई हैं उसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की सबसे पहली जॉब नोटिफिकेशन से जो कि आ रही है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से। हफ्ते की तीसरी नोटिफिकेशन है दोस्तों, ये नॉर्दर्न रीजन 1 और 2 के लिए जो नोटिफिकेशन जारी हुई थी उसकी जानकारी मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। ये नॉर्दर्न रीजन 3 के लिए नोटिफिकेशन है, डिप्लोमा ट्रेनीज के लिए सिविल और इलेक्ट्रिकल ट्रेड में ये वैकेंसीज जारी की गई हैं। टोटल 20 वैकेंसीज हैं। अगर आपने इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया हुआ है 3 साल का इलेक्ट्रिकल या फिर सिविल ब्रांच से तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। अच्छी बात यह है कि फ्रेशर कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई है। बात करें अगर जॉब लोकेशन की तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के एग्ज़ाम के बेसिस पर यहाँ पर ये नोटिफिकेशन में जो भर्तियाँ हैं ये की जाएंगी। जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 300 रुपये का आवेदन शुल्क रखा गया है। इसके अलावा किसी भी कैटेगरी के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है। 27,500 रुपये की यहाँ पर मंथली सैलरी दी जा रही है, अलाउंसेस अलग से होंगे। 27 साल यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है जिसमें रिलैक्सेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के ही नॉर्म्स के अनुसार रहेगी। 8 जुलाई 2021 तक ऑनलाइन माध्यम से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल नोटिफिकेशन और इसके लिए ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई करने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर से सेकंड नंबर पर आपको एक नोटिफिकेशन का एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप इसी पेज पर आ जाएंगे जिस पर इस वक्त मैं हूँ और यहाँ पर आप इन लिंक्स को एक्सेस कर सकते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में जो कि कल यानी कि शनिवार को जारी किया गया था। यांत्रिक के लिए 40 वैकेंसीज हैं जिसके लिए डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच के कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पर भी एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑल इंडिया में जॉब लोकेशन रहने वाली है। रिटन एग्जाम और फिजिकल के बेसिस पर यहाँ पर भर्तियाँ की जाएंगी। 250 रुपये का दोस्तों यहाँ पर आवेदन शुल्क है जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, और SC ST कैंडिडेट्स के लिए कोई भी आवेदन शुल्क यहाँ पर नहीं रखा गया है। CPC 7 Level 5 की यहाँ पर सैलरी दी जाएगी, 25,500 से स्टार्टिंग है, अलाउंसेस अलग से होंगे। 22 साल यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। 2 जुलाई 2021 से इसके लिए आवेदन शुरू होने वाले हैं और 16 जुलाई 2021 तक आप ऑनलाइन माध्यम से इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट सभी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए दोस्तों हमने जो लिंक दिया है इससे आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर खुलेगा शनिवार का। आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए पेज नंबर 26 तक जाना है। पेज नंबर 26 पर आपको इसकी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। इसके अलावा DFCCIL की तरफ से भी एग्जीक्यूटिव्स के लिए भर्तियां चल रही हैं। 205 वैकेंसीज हैं इंजीनियरिंग डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट्स के लिए। यहां पर भी कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑल इंडिया यहां पर जॉब लोकेशन रहने वाली है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर यहां पर भर्तियां की जाएंगी। 900 रुपये का यहां पर आवेदन शुल्क रखा गया है अनरिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए। SC ST कैटेगरीज के लिए कोई भी आवेदन शुल्क यहां पर नहीं है। 30,000 रुपये से लेकर के 1,20,000 रुपये तक की यहाँ पर सैलरी दी जा रही है। मैक्सिमम 30 साल तक के कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। रिलैक्सेशन यहाँ पर भी अपनी कैटेगरी के हिसाब से दी जाएंगी। 23 जुलाई 2021 तक ऑनलाइन माध्यम से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये डेट एक्सटेंडेड डेट है जो कि बढ़ा दी गई है DFCCIL की तरफ से। नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी NWDA की तरफ से जूनियर इंजीनियर्स के लिए भर्तियां चल रही हैं। टोटल 62 वैकेंसीज हैं इंजीनियरिंग डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ पर भी कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑल इंडिया इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली है। कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट के बेसिस पर यहाँ पर भर्तियाँ की जाएंगी। 840 रुपये का यहाँ पर दोस्तों आवेदन शुल्क रखा गया है। SC ST EWS और वुमेंस के लिए 500 रुपये का आवेदन शुल्क रखा गया है। 35,400 से 1,12,400 तक की यहाँ पर सैलरी रखी गई है, अलाउंसेस अलग से होंगे। मैक्सिमम 27 साल यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। 25 जून 2021 तक ऑनलाइन माध्यम से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। CSIR इमटेक चंडीगढ़ की तरफ से टेक्निकल असिस्टेंट्स और जूनियर इंजीनियर्स के लिए भर्तियाँ चल रही हैं। डिप्लोमा इंजीनियरिंग ब्रांच से अगर आपने किया हुआ है फर्स्ट का 60% के साथ तो आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। साथ ही साथ 2 साल के एक्सपीरियंस की भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट रखी गई है। चंडीगढ़ यहाँ पर जॉब लोकेशन रहने वाली है। रिटर्न एग्जाम के बेसिस पर यहाँ पर भी भर्तियाँ की जाएंगी। 500 रुपये का आवेदन शुल्क है। SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए कोई भी यहाँ पर आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है। 35,400 से 1,12,400 तक की यहाँ पर सैलरी दी जा रही है। मैक्सिमम 28 साल यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। 15 जुलाई 2021 तक ऑनलाइन माध्यम से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी की तरफ से जूनियर इंजीनियर्स के लिए भर्तियां चल रही हैं सिविल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच से। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है इनमें से किसी ब्रांच से तो आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। 3 साल के, लेकिन एक्सपीरियंस की भी साथ में रिक्वायरमेंट रखी गई है। उत्तर प्रदेश इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली है और ये बात मैं बता दूं दोस्तों कि ये 2 साल के इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट पर रहेगी जॉब, जिसको आगे चल करके एक्सटेंड भी किया जा सकता है।
शुरुआत में तो इंटरव्यू के बेसिस पे भर्तियां की जा रही है, लेकिन अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज़्यादा हो जाती हैं तो रिटर्न एग्जाम भी कंडक्ट किया जा सकता है। कोई भी आवेदन शुल्क यहाँ पर नहीं रखा गया, सभी के लिए आवेदन निःशुल्क है। 25,000 रुपये की इनिशियल यहाँ पर सैलरी दी जा रही है, अलाउंसेस अलग से होंगे। मैक्सिमम 40 साल यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है, जिसमें कि रिलैक्सेशन केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार ही रहेगी। 22 जून 2021 तक ऑफलाइन माध्यम से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की तरफ से दोस्तों ये लास्ट मौका है, जूनियर इंजीनियर्स के लिए भर्तियाँ चल रही हैं। टोटल 196 वैकेंसीज हैं। डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट्स इंजीनियरिंग ब्रांच से इसके लिए एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। कोई भी एक्सपीरियंस की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई है, फ्रेशर कैंडिडेट्स बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर यहाँ पर भर्तियाँ की जाएंगी। 1,000 रुपये का यहाँ पर दोस्तों लेकिन ये आवेदन शुल्क रखा गया है, जो कि नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा है। और SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 700 रुपये का आवेदन शुल्क रहेगा। PWD कैंडिडेट्स के लिए 10 रुपये का आवेदन शुल्क रहेगा। 44,900 रुपये से इनिशियल यहाँ पर सैलरी स्टार्ट हो रही है। मैक्सिमम 40 साल यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। 2 जुलाई 2021 तक ऑनलाइन माध्यम से आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च की तरफ से स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 के लिए 68 वैकेंसीज निकली हुई हैं, जिसके लिए इंजीनियरिंग डिप्लोमा के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेड के कैंडिडेट्स के लिए ये वैकेंसीज हैं। यहाँ पर भी कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, फ्रेशर कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तमिलनाडु यहाँ पर जॉब लोकेशन रहने वाली है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर यहाँ पर भर्तियाँ की जाएंगी। 200 रुपये का दोस्तों यहाँ पर आवेदन शुल्क आपको देखने को मिल रहा है, जनरल OBC और EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। इसके अलावा किसी भी और कैटेगरी के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है। परमानेंट ये जॉब है दोस्तों, जिसमें कि पहला साल ट्रेनिंग और दूसरा साल ट्रेनिंग में रहेगा। पहले साल में 16,000 और दूसरे साल में 18,000 रुपये की यहाँ पर स्टाइपेंड आपको मिलेगा ट्रेनिंग के दौरान। और उसके बाद जो सैलरी होगी वो 44,900 रुपये प्लस अलाउंसेस रहेगी। मैक्सिमम 24 साल यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। और 30 जून 2021 तक आप ऑनलाइन माध्यम से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये भी एक्सटेंडेड डेट है, बढ़ाई गई डेट है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी असम की तरफ से टेक्निकल असिस्टेंट्स और जूनियर इंजीनियर्स के लिए 55 वैकेंसीज निकली हुई हैं। अगर आपने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ है इलेक्ट्रिकल और सिविल ट्रेड से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, असम इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली है। रिटर्न एग्जाम के बेसिस पर यह भर्तियाँ की जाएंगी। कोई भी आवेदन शुल्क यहाँ पर नहीं रखा गया है, सभी के लिए आवेदन निःशुल्क है। 29,900 से 92,300 की यहाँ पर सैलरी दी जा रही है, अलाउंसेस अलग से होंगे। CPC 7 लेवल 6 की ये सैलरी है। मैक्सिमम 30 साल यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है। 2 जुलाई 2021 तक ऑनलाइन माध्यम से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL की तरफ से ही नॉर्दर्न रीजन 2 के लिए भी भर्तियां निकली हुई हैं, डिप्लोमा ट्रेनीज़ के लिए इलेक्ट्रिकल और सिविल ब्रांच से। यहाँ पर टोटल 42 वैकेंसीज हैं। और डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ है 70% अंकों के साथ इंजीनियरिंग ट्रेड में, इलेक्ट्रिकल और सिविल में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा SC/ST कैंडिडेट्स के लिए कोई भी ये परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। फ्रेशर कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। कश्मीर और लद्दाख इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली है। रिटर्न टेस्ट के आधार पर, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर ये भर्तियाँ की जाएंगी। 300 रुपये का यहाँ पर आवेदन शुल्क रखा गया है, जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए। इसके अलावा किसी भी और कैटेगरी के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है। पहले साल ट्रेनिंग में दोस्तों 27,000 रुपये यहाँ पर सैलरी दी जाएगी, जिसके बाद उसके कंप्लीट होने के बाद 25,000 प्लस अलाउंसेस सैलरी हो जाएगी। मैक्सिमम 27 साल यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है। 12 जुलाई 2021 तक ऑनलाइन माध्यम से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी NIWE की तरफ से प्रोजेक्ट असिस्टेंट्स ग्रेड 1 के लिए वैकेंसीज निकली हुई हैं, डिप्लोमा सिविल और मैकेनिकल ब्रांच के लिए। यहाँ पर भी कोई एक्सपीरियंस की एसेंशियल कंडीशन नहीं रखी गई है, हालांकि डिज़ायरेबल में 2 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो उनको थोड़ा सा एडवांटेज ज़रूर मिलेगा। चेन्नई यहाँ पर जॉब लोकेशन रहने वाली है। रिटन टेस्ट या फिर इंटरव्यू या फिर दोनों ही कंडक्ट किए जा सकते हैं। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स पर निर्भर करेगा कि क्या प्रोसीजर अप्लाई किया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सभी के लिए आवेदन निःशुल्क है। 20,000 रुपये की यहाँ पर इनिशियली सैलरी दी जा रही है। मैक्सिमम 30 साल एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है, जिसमें कि रिलैक्सेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के ही नॉर्म्स के अनुसार रहेंगे। 3 जुलाई 2021 तक ऑनलाइन माध्यम से आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग CDAC की तरफ से टेक्निकल असिस्टेंट्स के लिए वैकेंसी जारी की गई हैं। यहाँ पर 3 साल के एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट भी साथ में रखी गई है। इंजीनियरिंग डिप्लोमा के कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। पुणे यहाँ पर जॉब लोकेशन रहने वाली है। रिटन टेस्ट के आधार पर ये भर्तियाँ की जाएंगी।
29,900 से 96,300 की यहाँ पर सैलरी दी जा रही है, अलाउंसेस अलग से होंगे। कोई भी आवेदन शुल्क यहाँ पर नहीं रखा गया है। मैक्सिमम 35 साल यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है। 10 जुलाई 2021 तक ऑनलाइन माध्यम से आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टाटा पावर्स ईस्टर्न रीजन की तरफ से भर्तियाँ चल रही हैं दोस्तों डिप्लोमा ट्रेनीज के लिए। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से और 10th से आगे जितनी भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 60% मिनिमम परसेंटेज होनी चाहिए। 2020 और 21 पास आउट कैंडिडेट्स के लिए ये वैकेंसीज हैं। उड़ीसा यहाँ पर जॉब लोकेशन रहने वाली है। एप्लीकेशंस को शॉर्टलिस्ट सबसे पहले किया जाएगा और उसके बाद रिटर्न के लिए कॉल किया जाएगा, जिसकी जानकारी आपको मेल के थ्रू मिलेगी। कोई भी आवेदन शुल्क यहाँ पर नहीं है दोस्तों, और ये भर्तियाँ फिलहाल चल रही हैं जिसकी अभी लास्ट डेट मेंशन नहीं की गई है, लेकिन आपको इसमें थोड़ा जल्दी करना है क्योंकि ये एप्लीकेशंस कभी भी क्लोज हो सकती हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये अपडेट्स पसंद आई होंगी। ये सभी वैकेंसीज हैं जो कि इस वक्त डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट्स के लिए चल रही हैं। अगले सप्ताह रविवार को हम दोबारा से हाजिर होंगे पूरे हफ्ते की वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन के साथ डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट्स के लिए। वैसे डे बाई डे हम हर दिन की अपडेट्स डेली बेसिस पर देते हैं, आप वो वीडियो भी ज़रूर देखें। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, कल इसी समय दोबारा मुलाकात होगी अगले 24 घंटों में आने वाली डिप्लोमा होल्डर जॉब्स की जानकारी के साथ। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। धन्यवाद।